हाँ तो भाई क्या हाल है। बजट लैपटॉप्स अब तो भैया बजट भी 1 लाख के आसपास हो गया है एंड 1 लाख के आसपास में अनदर एंट्री इन द हाउस एचपी विक्टस। वैसे इसका ना राइजन 7 वाला वेरिएंट हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं एंड उसी के कमेंट सेक्शन से पता लगा था कि भैया इंटेल वाला भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग है, 50-50 वाला ग्राफिक्स कार्ड है तो रिव्यू कर दो। और भाई तुम बोल लो हरम ना करे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। चलो इसी बात पे सब्सक्राइब मार दो जो भी पहली बार देख रहा है मेरे को। एंड ये जो लैपटॉप है 1,03,000 के आसपास चल रहा है आज की रेट में, जिस दिन वीडियो बना रहा हूं बाकी प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है। लैपटॉप का तो कंटेंट भी ऐसा होता है ना कि सालों साल चलता है, 50-50 दो साल बाद भी तो बिकी रहा होगा। तो वीडियो आप अभी देख लो, बाइंग चॉइस कभी बना लेना। वैसे भी टेक्नोलॉजी कितनी महंगी होती जा रही है भाई साहब। और देखो ये लैपटॉप भी बिल्कुल सेम है जो राइजन 7 वाला था, वही कीबोर्ड, वही ट्रैक पैड, पोर्ट्स, डिस्प्ले, सारी चीजें सेम है। तो बार बार रिपीट करके वीडियो लंबी करके फायदा नहीं है, आप भी बोर होते रहोगे। और वीडियो का ये वाला पार्ट दे रहा दोनों वाले लोगों के लिए, अगर देखना है देख लो वरना स्किप करके आगे भी जा सकते हो, टाइम स्टैम्प है। अगर आप भी लैपटॉप ढूंढ रहे हो अपने लिए कुछ ऐसा तो आप लैपटॉप स्टोर विजिट कर सकते हो जो आपको देहरादून कैपरी ट्रेड सेंटर मिल जाएगा, जहां पे आपको सारी वैरायटी के लैपटॉप मिल जाएंगे, चाहे कन्वर्टेबल हो, थिन एंड लाइट हो, गेमिंग हो, और सारे पेमेंट मोड्स भी अवेलेबल है, कैश, क्रेडिट, ईएमआई, जो मर्जी कराना हो। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा, कॉल व्हाट्सएप कर लेना जाने से पहले। एंड सीधा ना तकनीकी बातों से स्टार्ट कर लेते हैं। इंटेल कोर i7 13620H प्रोसेसर है इसके अंदर, जो हमारा 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। और मैं इसको ना कंपेयर करके देख रहा था कंपेटिटिव प्रोसेसर से, अगर आप AMD Ryzen 7 वाले से ही कंपेयर करो तो भाई Ryzen 7 मल्टी कोर में 22% बेटर है, बाकी सिंगल कोर में 2% का डिफरेंस है, सिमिलर सही परफॉर्म कर रहे हैं। और भी अदर प्रोसेसर वगैरह आप देख सकते हो पूरे ग्राफ में। और ग्राफिक्स कार्ड हमारा RTX 5050 है, जो हमारा 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है 80W TGP के साथ। तो RTX 5050 दूसरे GPUs के कंपटीशन में कहां पे खड़ा होता है देख सकते हो, 4050 से थोड़ा सा बेटर है। एंड अगर 4060 से कंपेयर करते हैं तो 5050 115W वाला सिमिलर परफॉर्म करता है, कहीं कहीं डिफरेंस आता है, कहीं कहीं नहीं आता। और इसके अंदर 80W वाला है, वैसे हाँ AMD वाले वेरिएंट में भी 80W वाला ही था। अब यहाँ पे एक चीज ऐड कर देता हूँ, जो टेक्निकलिटीज है ना वो सेम रहती है, बस वॉटेज ज्यादा होने से आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। एंड 24GB DDR5 RAM है सिंगल चैनल में, जो कि HP ने बहुत बढ़िया कर दिया है ओमेन सीरीज में भी, विक्टस के अंदर भी, कि आपको फ्यूचर में अपग्रेड करनी है तो 48GB तक आप कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी रैम। और 1TB Gen 4 SSDs के अंदर, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो एग्जैक्ट Gen 4 वाली नहीं है, जो 7000 Mbps तक जाती है। और दो SSD के स्लॉट्स है इसके अंदर, एक 2280 जो फुल साइज होता है और एक स्मॉल साइज वाला स्लॉट है, एक ऑक्यूपाइड है, एक फ्री है। पर स्लॉट 1TB या 2TB तक अपग्रेड लैपटॉप्स आराम से हो जाते हैं। एंड कनेक्टिविटी में वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, MS Office 2024 लाइफ टाइम के लिए आपको इसके अंदर मिलेगा, प्लस Xbox Game Pass 3 मंथ्स के लिए। तो डे 1 पे लैपटॉप खरीदते ही एकदम गेमिंग स्टार्ट। और बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं, सिनेमेंच 2024 के नंबर्स ये रहे, उसके बाद सिनेमेंच R23 जो ऑलरेडी आप वैसे ऊपर देख ही चुके हो, एंड गीकबेंच 6 के नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो सीपीयू है ये मिड रेंजर सीपीयू है, जिसके अंदर आप कोडिंग तो किसी भी लेवल की कर सकते हो, इवन म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर भी आप चला पाओगे। और अगर AI की बात करते हैं तो गीकबेंच का AI वाला बेंचमार्क आप चेक कर सकते हो, उसके नंबर ये रहे जो हमने GPU पे निकाला था। और डीपसी कार्बन का 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल हमने रन किया इसके अंदर यूजिंग LM Studio, और जितने भी हाई एंड लैपटॉप होते हैं उसके अंदर 32 बिलियन हम रन करते हैं, ये हमारा अपना पर्सनल क्राइटेरिया है। और इस टेस्टिंग के अंदर सीपीयू GPU RAM तीनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। और जो हमने प्रॉम्प्ट डाला था वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसका आउटपुट 25.15 सेकंड्स में निकल गया, एंड टोकन इन्फॉर्मेशन भी ये रही आपके सामने। तो जिनको भी AI वाला टास्क करना है ये सब आप कंपेयर कर पाओगे अदर लैपटॉप वीडियोस में हमारे चैनल पे, जो हम हर वीडियो के अंदर करते भी है। और हाँ, अगर डेटा साइंस स्टूडेंट हो तो आपको CPU GPU का बेसिक कॉम्बिनेशन भी चल जाएगा, जो टास्क आपके होते हैं लाइक i5 के साथ कोई 3050 या 4050 हो, उससे ऊपर अगर जाते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेफिनेटली डेटा साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी लैपटॉप सही है। एंड अगर 3D मॉडलिंग रेंडरिंग यूजर हो तो ब्लेंडर बेंचमार्क हमने निकाला, 3000 के आसपास स्कोर निकल गया है, BMW का रेंडर निकाला ब्लेंडर के अंदर, जिसका आउटपुट 25 सेकंड्स में निकल गया है। और अगर आपको गेम डेवलपमेंट भी करनी है तो एंट्री लेवल से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक आप कर पाओगे, डिपेंडिंग अपॉन योर इंजन और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है आपका। बाकी गेम डेवलपर्स को पता होगा क्या क्या कैसी कैसी टेक्निकलिटीज है, जिसमें मैं थोड़ा नूब हूं भाई साहब, मुझे गेम खेलना आता है। Venom Gaming सब्सक्राइब करो इसी बात पे। और अगर आप एडिटिंग एंड डिजाइनिंग करने वाले हो तो Puget Bench for Photoshop 6900 प्लस, Premiere Pro 8500 प्लस, After Effects 6200 प्लस एंड DaVinci Resolve 5800 प्लस। तो आप किसी भी टाइप का एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको चलाना हो, Photoshop किसी भी लेवल पे चलाना है, 4K 60fps तक की वीडियोस आपको एडिट करनी है, बढ़िया बड़ी बड़ी टाइमलाइंस पे काम करना है, इस लैपटॉप पे आप आराम से कर पाओगे। CPU GPU एंड RAM का जो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्टिविटी टास्क में एकदम बढ़िया। और जो RTX 5050 है वो 8GB VRAM वाला GPU है, तो After Effects में भी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, बिकॉज इसके अंदर RAM 24GB है। एंड ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark Times Pi के स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे इसके अंदर CPU स्कोर भी आता है पर ग्राफिक्स स्कोर कंपेयर करने के लिए सही है अगर दूसरे लैपटॉप से करना हो। Geekbench 6 का OpenCL 96500 के आसपास, VR Mark का बेंचमार्क 10400 प्लस, यानी कि VR गेमिंग भी आप इसमें आराम से कर पाओगे। VR के लिए MetaQuest की वीडियो चैनल पे देख लेना, काफी डिटेल में बना रखी है। और हाँ, एक्सट्रीम टेस्टिंग तो बनती है, 100% लोड पे डाला CPU को, Prime 95 चला के 120W तक CPU गया एक बारी के लिए, लेकिन हाँ 45W का एवरेज मेंटेन कर गया था। टेंपरेचर्स 91
बन तो गए पर 58 डिग्रीज तक आ गए थे, लेकिन क्लॉक स्पीड्स भी तो काफी गिर गई थी ना, 4.8 तक हिट हुई, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे आ गया था। लेकिन हाँ, सिस्टम क्रैश नहीं हुआ। वहीं पे अगर आप जीपीयू देखते हो तो प्रॉपर 80 वॉट तक गया और 80 वॉट का एवरेज मेंटेन कर गया, टेंपरेचर्स भी ज्यादा नहीं, 65 डिग्रीज तक। अब मेरे माइंड में एएमडी के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। एएमडी वाला जब हमने टेस्ट किया था तो वो 100% लोड पे 58 वॉट तक ही गया था और 53 वॉट का एवरेज मेंटेन कर गया था, एंड टेंपरेचर्स भी काफी कम रहे इंटेल के कंपैरिजन में, 76 डिग्रीज एंड 69 डिग्रीज, और क्लॉक स्पीड में भी इतना बड़ा ड्रॉप ही नहीं आया, 4.9 तक गया, 4.7 का एवरेज मेंटेन कर गया। तो एएमडी हमेशा पावर एफिशिएंट रहता है, कम पावर ड्रॉ करता है और काफी एफिशिएंसी के साथ काम भी करता है, प्लस मल्टी कोर की परफॉर्मेंस इस वाले सीपीयू से बेटर है उसकी। फिर मेरे माइंड में आ रहा था दोनों को कंपेयर कर लेते हैं गेमिंग में, तो 1080p हाई सेटिंग्स पे वैलोरेंट जैसे हम टेस्ट कर रहे थे ना, तो भाई इंटेल बढ़िया फ्रेम रेट निकाल के दे रहा था, बिकॉज सिंगल कोर की परफॉर्मेंस इंटेल की बेटर है, भले ही वो थोड़ी सी भी हो लेकिन वो गेमिंग में दिख रही है। यहाँ पे हमारे को अप्रॉक्सिमेटली 100 FPS का डिफरेंस मिल रहा है दोनों में, और गेमिंग के टाइम पे टेम्परेचर में डिफरेंस आप देखो ऑलमोस्ट सिमिलर वॉटेज है, 45-50 के आसपास दोनों की, लेकिन एएमडी 82 डिग्री जा रहा है लेकिन इंटेल यहाँ पे ठंडा बैठा है भाई साहब। फिर CS2 टेस्ट किया हमने, CS2 के अंदर भी मैंने एक चीज नोटिस करी, इंटेल बेटर फ्रेम रेट निकाल पा रहा था, जबकि जीपीयू दोनों के अंदर सेम है लेकिन स्टिल एएमडी के अंदर हमारे कम फ्रेम रेट आ रहे थे। अब अगर हम जीपीयू इंटेंसिव गेम्स के ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे थर्मल्स भी आइडेंटिकल से हो जाते हैं 60-70 डिग्रीज के आसपास तक, एंड फ्रेम रेट भी आइडेंटिकल है, जैसे आप साइबर पंक में देख भी सकते हो अल्ट्रा सेटिंग्स में, क्योंकि ये जीपीयू इंटेंसिव गेम आ गया, इसी में अगर फ्रेम जनरेशन लगाएंगे तो भी सिमिलर परफॉर्मेंस, और हाँ इसी के अंदर रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा भी किया था तब भी हमारे सिमिलर ही फ्रेम रेट निकल के आ रहे थे। फिर ऐसे हमने गोस्ट ऑफ सुशीमा ट्राई किया विद DLSS ऑफ, सिमिलर परफॉर्मेंस मिल रही थी, DLSS फ्रेम जनरेशन भी लगाया तो भी यहाँ पे दोनों केसेस में सिमिलर परफॉर्मेंस हमारे को मिल रही थी, एंड ऐसे करते करते एलन वेक 2 जिसके अंदर उसके भी डिफरेंट मोड्स वगैरह टेस्ट किए फ्रेम जनरेशन एंड विदाउट फ्रेम जनरेशन एंड रे ट्रेसिंग वगैरह लगा के भी सिमिलर ही परफॉर्मेंस दोनों के अंदर मिल रही थी। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए जहां पे भी सीपीयू इंटेंसिव गेम्स आएंगे वहां पे इंटेल वाला वेरिएंट बेटर परफॉर्म करेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस, जहां पे हम सिर्फ इंटेल वाला टेस्ट कर रहे हैं जिसमें वैलोरेंट हाई सेटिंग्स पे 350 एवरेज FPS हमारे को मिल रहे हैं, उसके बाद CS2 आ गया वेरी हाई सेटिंग्स पे, एवरेज हमारे को 140-150 FPS मिल रहे हैं, बढ़िया प्लेबल फ्रेम रेट है। हाँ 1080p है ध्यान रखना, वैसे भी RTX 5050 है, 1080p वाला ही ग्राफिक्स कार्ड है। GTA 5 एनहांस्ड एडिशन ट्राई किया, मैक्सिमम रे ट्रेसिंग प्रीसेट हमने रखा था इसके अंदर, एवरेज 60 FPS निकाल के दे गया, बढ़िया अपना स्मूथ गेम प्ले रहता है। उसके बाद एल्डन रिंग आ गया, सेटिंग्स भी मैक्सिमम, रे ट्रेसिंग भी मैक्सिमम, एवरेज 60 FPS हमारे को मिल जाते हैं आराम से। और उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन जिसके अंदर 1080p एक्सट्रीम सेटिंग्स हमने रखी जिसके अंदर एवरेज 75-80 FPS हमारे को मिल गए, बाकी आप चाहो तो ज्यादा FPS निकालने के लिए सेटिंग्स वगैरह गिरा सकते हो। एंड RDR2 फेवर क्वालिटी यानी कि जो हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स होती है इसके अंदर भी हमारे को 70-80 FPS मिल जाते हैं दोनों सिनेरियोज में, बढ़िया प्लेबल मामला रहता है 1080p में। और साइबरपंक की परफॉर्मेंस आप देख चुके हो अल्ट्रा सेटिंग्स पे, रॉ परफॉर्मेंस यहां पे 60-65 FPS है, फ्रेम जनरेशन लगा के 120-130 FPS, वहीं पे अगर आप रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे कर दोगे तो वही अपना 30 FPS के आसपास नॉर्मली, और फ्रेम जनरेशन लगा के 80-90। मैंने वैसे कंपैरिजन बना भी रखा है 40-60 और 50-50 का, 40-60 जैसी ही परफॉर्मेंस है, बस मल्टी फ्रेम जनरेशन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं 50-50 में। और उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी ट्राई किया, यहां पे 47-48 FPS नॉर्मली विदाउट DLSS जो भी प्लेबल है, एंड फ्रेम जनरेशन लगा के आप 50-55 FPS तक निकाल सकते हो, कभी कभी 60 पार भी चले जाते हैं। फिर असासिन्स क्रीड शैडोज आ गया जो भाई बहुत इंटेंसिव गेम है, वेरी हाई सेटिंग्स पे भाई नॉर्मली तो आप खेल नहीं पाओगे, अच्छे फ्रेम रेट नहीं मिलते, मैंने रे ट्रेसिंग की वजह से हाई रखी हुई थी इसके अंदर, फ्रेम जनरेशन लगा के 55-60 FPS हमारे को आराम से मिल जाते हैं। द लास्ट ऑफ अस 2 में भी प्लेबल FPS मिलते हैं, एवरेज 50 ऑन DLSS ऑफ और 70-80-90 मिल जाते हैं फ्रेम जनरेशन लगा के। फिर होराइजन फॉरबिडन वेस्ट आ गया, 50-55 FPS मिल जाते हैं आराम से DLSS ऑफ पे, फ्रेम जनरेशन जैसे आप लगाओगे तो 70-80-90 FPS के आसपास मिलते हैं। फिर आ गया गोस्ट ऑफ सुशीमा, वेरी हाई सेटिंग 60-70 FPS और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया 120-130 के आसपास मक्खन चलता है एकदम। स्पाइडरमैन 2 वेरी हाई सेटिंग्स पे DLSS ऑफ रे ट्रेसिंग ऑफ पे ना 45 एवरेज FPS हमारे को मिल रहे थे, लेकिन वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाया तो बढ़िया डबल फ्रेम रेट हो गए, एंड उसी के अंदर जैसी रे ट्रेसिंग लगाई वेरी हाई पे भाई नॉर्मली तो खत्म हो गया, इवन फ्रेम जनरेशन लगा के भी कुछ इतने अच्छे FPS नहीं मिल रहे थे, 30-35 के आसपास ही थे। एंड उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक सेटिंग्स है 20-25 FPS मिल रहे थे और फ्रेम जनरेशन लगाया तब जाके 50 FPS तक मिले, यानी कि प्लेबल FPS मिल जाते हैं अगर फ्रेम जनरेशन लगाओगे, और रे ट्रेसिंग को जब वेरी हाई पे करा तो दोनों सिनेरियोज में प्लेबल नहीं, भाई अनरियल इंजन है सिनेमैटिक हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स है 50-50 भी नहीं उठा पाता, बट इसके अंदर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन चाहो तो लगा सकते हो, बट हाँ इनपुट लैग आ जाता है बिकॉज AI जनरेटेड फ्रेम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद गेम मक्खन हो जाती है भाई, आप FPS देख सकते हो 60-70-80 के आसपास मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। फिर हेलब्लेड 2 आ गया जो रॉ परफॉर्मेंस भाई प्लेबल नहीं थी, DLSS फ्रेम जनरेशन लगाया तो जाके 45-50 फ्रेम रेट आया बढ़िया प्लेबल, उसी के अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन भी लगाई उसके अंदर भी तहलका FPS 60-70-80 तक दोनों सिनेरियोज में बिकॉज उतने ही एक्स फ्रेम रेट्स हो जाते हैं ना। फिर एलन वेक 2 आ गया हाई सेटिंग्स पे 40-45 FPS मिल रहे थे विद DLSS ऑफ एंड रे ट्रेसिंग ऑफ, और उसके बाद जैसी फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो जस्ट डबल 85-90 FPS हमारे को मिल रहे थे। फिर रे ट्रेसिंग जब अल्ट्रा पे करी ना तो 10-12 FPS थे नॉर्मली, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के 30-40 FPS तक चला गया था, मतलब ठीक ठाक लेवल FPS है क्योंकि इतना फास्ट पेस नहीं है ये, इतने FPS पे खेल पाओगे, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा FPS चाहिए 45-50-60 तक तो 3x या 4x मल्टी फ्रेम जनरेशन इस गेम में आप लगा सकते हो, लेकिन वो AI जनरेटेड फ्रेम्स
होते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पता लगता है आपको कि हाँ आपने मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाई हुई है। तो देखो परफॉर्मेंस के मामले में लैपटॉप कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंट नहीं करता। एंड यस बैटरी बैकअप की बात करनी बनती है क्योंकि AMD पावर एफिशिएंट है ना, तो उसके अंदर 5 to 6 hours का बैकअप मिलता है जो यूज केस हमारा होता है ना, बेसिक यूसेज, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलिट ऑफ, पावर सेवर मोड, IGPU मोड वगैरह जो हमारा क्राइटेरिया है टेस्टिंग का। वहीं पे इंटेल वाला जो वेरिएंट है वो 4 to 4.5 hours के आसपास बैकअप देता है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और लैपटॉप को फुल चार्ज होने में 1 hour 40 minutes के आसपास लगते हैं। तो ये हो गया देखो इसका पूरा रिव्यू। हाँ बाकी सारी चीजें अगर लग रहा है ना कहां गई कहां रह गई तो वो दूसरी वीडियो देख लेना जिसकी विक्टर्स की बना रखी है, स्क्रीन पे थंबनेल और टाइटल आ रहा होगा, उसके अंदर सब है, डिस्प्ले विस्प्ले ये सब चीजें। एंड ये लैपटॉप 1,03,000 rupees का है। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे अगर हम कंपटीशन उठाते हैं, सबसे पहले तो Acer Nitro V15 आ जाता है। एंड ये थिन सेगमेंट का लैपटॉप है, इसके अंदर CPU सेम है, GPU सेम है, दोनों में डिस्प्ले भी बेसिक 45% NTSC वाली मिल जाती है। एंड ये 1,05,000 rupees का है। अगर आपको थोड़ा सा हल्का लैपटॉप चाहिए बिकॉज का वेट ना 2.1 kgs के आसपास है एंड विक्टर्स इज 2.3 kgs, तो 100-200 grams का डिफरेंस है। विक्टर्स ओवरऑल ज्यादा सेंस बनाता है बिकॉज एक तो 2,000 पे सस्ता है और बड़ी चेसी में क्या होता है ना आपको थर्मल्स वगैरह बेटर मिलते हैं। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह आपने देख ली। अगर आप में से कोई Acer Nitro V15 यूज कर रहा है तो अपना एक बार फीडबैक आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूंगा आप HP के ले जाओ। और एक बड़ा डिफरेंस रैम में भी है, Nitro V में 16GB मिलती है, इसके अंदर 24GB रैम मिलती है हमारे को। और ये जो 1 lakh से ऊपर का सेगमेंट जाता है इसमें ना कुछ लैपटॉप्स और ऐड हो जाते हैं, जैसे Asus का टफ ऐड हो जाता है जो भी हमने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया था, i5-13450HX वाला। एक तो देखो दोनों प्रोसेसर में ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं सिंगल कोर मल्टी कोर में, तो यानी कि CPU लेवल पे सेम परफॉर्मेंस है, लेकिन टफ की प्राइसिंग भी 1,10,000 rupees है। लेकिन उसके आपको फायदे भी मिलेंगे, एक तो देखो 90 watt hour बैटरी मिल जाती है, इसमें 70 watt hour है, तो उससे आपको डिफरेंस मिलेगा बैटरी बैकअप में। प्लस जो डिस्प्ले है विक्टर्स में बेसिक 45% NTSC डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको बेटर कलर एक्यूरेसी नहीं मिलेगी जो टफ के अंदर मिलती है, 100% sRGB वाली 1200p वाली डिस्प्ले, तो वहां पे आपको अपर साइड मिलती है। रैम में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, टफ में 16GB है, इसमें 24GB है, लेकिन है उसके अंदर भी सिंगल चैनल ही, तो 32 तक तो उसके अंदर भी जा सकते हो। एंड ओवरऑल अगर आप 7,000 rupees एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो उसकी आपको वैल्यू टफ में मिलती भी है। बिल्ड क्वालिटी वाइज भी टफ ज्यादा बेटर फील होता है विक्टर्स के सामने, ये हार्मोनियम अभी भी चलता है। देन एक कटाना भी है, और MSI का मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किस हिसाब से लिस्टिंग कर रहे हैं। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कटाना अगर आप देखोगे 1 lakh rupees का है, जिसके अंदर हमारे को i5-14th generation प्रोसेसर मिलता है, और अगर कंपेयर करते हैं ना तो सिमिलर सी परफॉर्मेंस है, और दोनों में डिस्प्ले 45% NTSC है, बैटरी में भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ रैम का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कटाना में 16GB रैम है डुअल चैनल में, इसमें 24GB सिंगल चैनल है, तो अपग्रेड कटाना में करने में दिक्कत होगी आपको। और कटाना में स्टोरेज स्लॉट भी एक ही है, इसके अंदर हमारे को 2 SSD के स्टोरेज स्लॉट मिलते हैं, तो ओवरऑल ये सेंस बनाता है। लेकिन अगर आप 1 lakh rupees खर्च रहे हो तो कटाना की एक और लिस्टिंग है जिसके अंदर हमारे को i7-14650HX मिलता है, और अगर आप इस प्रोसेसर से कंपेयर करोगे ना तो चाहे मल्टी कोर हो चाहे सिंगल कोर हो भाई काफी बेटर परफॉर्म करता है इसके कंपैरिजन में। बाकी सारी चीजें सेम है जो मैं आपको पिछले वाले कटाना के साथ बताई रहा था। यहां पे प्रोसेसर वाइज ये वाला कटाना ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, लेकिन फिर वहां पे रैम वाला पॉइंट आ जाता है, डुअल चैनल, और रैम इस टाइम पे कितनी महंगी है वो आपको पता ही है। तो इन दोनों में आप अपनी चॉइस अपने हिसाब से बना सकते हो, मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। और Asus का V16 है 1,10,000 rupees का लिस्ट कर रखा है, 1.95 kgs का वेट है, इससे जस्ट 300 grams हल्का है, बेसिकली थिन फॉर्म फैक्टर वाला गेमिंग लैपटॉप है, और 1,10,000 का ही टफ भी आता है। तो देखो अगर मुझे बाइंग चॉइस बनानी होगी मैं 200-300 grams एक्स्ट्रा झेल लूंगा, बट मैं अच्छी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप लूंगा विद 100% sRGB डिस्प्ले, क्योंकि V16 के अंदर बेसिक डिस्प्ले है, और उसके अलावा जो प्रोसेसर है कोर 7 है जो 13 जनरेशन का एक रिफ्रेश है, तो सिमिलर सी ही परफॉर्मेंस मिलती है। ओवरऑल भाई V16 को आप इग्नोर कर सकते हो, वो थोड़ा हायर साइड प्राइस्ड है। और जब 1 lakh के आसपास के लैपटॉप की बात होगी, लॉक की बात नहीं करेंगे, लॉक में आपको 1,05,000 का एक वेरिएंट मिलेगा, लेकिन ये जो 1,05,000 है इसमें 4,000 rupees एक्स्ट्रा 3 years वारंटी और 3 years एक्सीडेंटल डैमेज के एडेड होते हैं पहले। जब भी आप लेनोवो की वेबसाइट पर कॉन्फिगर करोगे ना लैपटॉप तो वो पहले ऐड कर देते हैं, तो उसमें आप 4,000 माइनस कर सकते हो, तो 1,01,000 प्राइसिंग होगी। लेकिन मैं भाई वाली एडवाइस दूंगा, कभी भी आप लैपटॉप लो तो एक्सीडेंटल डैमेज एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह ले लेना, बाइंग के टाइम पे काफी सस्ती पड़ जाती है, और लेनोवो की वेबसाइट पर तो हमेशा मिलती है। बाकी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे HP और दूसरे लैपटॉप के साथ क्या सीन है वो आप बाय करते टाइम देख लेना, वरना ऑफलाइन स्टोर से बाय कर सकते हो। और ये वाला जो लैपटॉप है इसके अंदर i5-13450HX है, तो i7-13620H के अगल बगल की परफॉर्मेंस देता है मल्टी कोर सिंगल कोर में, एंड लॉक में GPU 100 वॉट वाला है, इसमें 80 वॉट है, तो थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, ज्यादा नहीं। प्लस लॉक में 24 zone RGB की बोर्ड है, उससे कितना इंपैक्ट आएगा वो खुद देख लेना, मोर RGB मोर FPS कहने की बातें हैं, हमारा जोक है चलते रहना चाहिए। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, लॉक में 100% sRGB वाली डिस्प्ले है जो विक्टर्स में नहीं मिलती, लेकिन रैम का डिफरेंस आएगा विक्टर्स के अंदर 24GB उसमें 16GB, लेकिन है सिंगल चैनल दोनों में। और बैटरी में भी 10 वॉट आवर का डिफरेंस है, HP विक्टर्स में 70 वॉट आ रहा है, लॉक में 60 वॉट आ रहा है, जिससे इतना ज्यादा डिफरेंस बैटरी बैकअप पे आएगा नहीं निकल के, तो यहां पे लॉक एक अच्छी चॉइस निकल के आता है। लेकिन यहां पे ब्रांड वाली बात हो जाएगी, अगर मेरे से रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं तो लॉक ही बोलूंगा। अगर आपका मन HP पे ही अटका है
तो विक्टस के लिए जा सकते हो। विक्टस अपने हिसाब से काफी सही ऑफरिंग लेके आता है, बाकी कार्ड ऑफर बैंक ऑफर वगैरह भी देख लेना। और अगर आप 1 लाख के आसपास ही जा रहे हो तो देख लेना RTX 4060 वाले लैपटॉप्स के लिए भी आप जा सकते हो, जो बेसिकली 50-50 के आसपास की ही परफॉर्मेंस देता है। किसी किसी जगह उसकी रॉ परफॉर्मेंस आपको बेटर लगेगी, बट मल्टी फ्रेम जनरेशन RTX 50 सीरीज के साथ आता है तो वो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है। वैसे 4060 वर्सेस 50-50 का कंपैरिजन है चैनल पे, एक बार वो देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा परफॉर्मेंस का। एंड ये था इसका पूरा रिव्यू, आप बताना आपके क्या थॉट्स इस लैपटॉप के बारे में, और कौन से लैपटॉप का रिव्यू चाहते हो, कंपैरिजन चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे जाके भर डालो और लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।